ठाकुर जी एक वर्ष के है गए, अभी तक नामकरण संस्कार नए भयो लाला को। यशोदा मैया नंद बाबा से बोली, लाला एक वर्ष को है गए अभी तक नामकरण नए भयो। नंद बाबा बोले, कहा बताऊं सांडिल मुनि आई ना रे कुल पुरोहित हमारे। तभी पता चला नंद बाबा को कि ब्रज में गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी ज्योतिष, जिन्होंने ज्योतिष के प्रणेता। गर्गाचार्य जी का नाम सुनते ही नंद बाबा बोले, कई बार ऐसा होता है कि कुल पुरोहित अनुपस्थित हो तो कोई और विद्वान यदि क्रिया कर दे तो कोई उसमें संशय नहीं। गर्गाचार्य जी से जाकर के प्रार्थना करी, आप हमारे लाला को नामकरण करो। और श्री गर्गाचार्य जी आए, जैसे घर में आए ठाकुर जी टेढ़ी नजरन से गर्गाचार्य जी को देखने लगे। गर्गाचार्य जी भी लाल जी को देखे, बड़ो प्यारो लाला है भैया आपको। ठाकुर जी ने एक लीला के माध्यम से गर्गाचार्य जी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी बोले, भगवान आपने मुझे रूप क्यों दिखाया, आपने क्यों बताया कि आप परम तत्व हो, ईश्वर हो। बोले, हमने इसलिए बताया क्योंकि कल जब आप हमारी जन्मपत्री बनाओगे तो उस समय सारे भेद खोल दोगे कि भैया ये तो परम तत्व ईश्वर है। और यशोदा मैया को कहीं आपने बता दिया कि हम भगवान है, तो मैया को और ब्रजवासीन को जो सहज प्रेम अभी हमें मिल रहा है ये नहीं मिलेगा। पता चल जाए कि ये व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है तो हम प्रेम की जगह सम्मान करने लग जाते हैं। सहज व्यक्ति रहे, उसकी पदवी ना पता हो तो सहज प्रेम होता है, लेकिन पता चल जाए कि श्रेष्ठ है तो सम्मान होता है, प्रेम कम हो जाता है। ठाकुर जी बोले, इन ब्रजवासीन को प्रेम में कम ना करना चाहूं, या हमारे आपको पहले ही बता रहा हूं मैं भगवान हूं, इन सबन को बताइयो मत, नहीं तो यशोदा मैया कहीं मंदिर में दिया आवेगी, मुंह को पुजारी देखेगी दिन रात पूजा करो भगवान है भैया जी, तो मुंह को मंदिर में ना रहना, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। प्रेम का स्वरूप क्या है बंधु, सावधानी से सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, सावधानी से सुनो। प्रेम का स्वरूप क्या है, जब प्रेम जीवन में आता है ना तो आप अपने प्रभुत्व को छुपाते हो, आप अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं करते। प्रभुत्व मतलब अपने गुणों को, अपनी श्रेष्ठताओं को, अपनी योग्यताओं को आप जितना ज्यादा हो सकता है छुपाने का प्रयास करते हो। अगर प्रेम आपको लग रहा है कि प्रेम आ गया है हृदय में, उसके बाद भी ऐसी अभिलाषा होती है कि मैं इनको बताऊं कि मैं कौन हूं, मेरी कितनी डिग्री है, मैंने कितनी उपलब्धियां प्राप्त करी आदि आदि, तो अभी प्रेम नहीं है। प्रेम आएगा तो आप छुप जाओगे, आप स्वयं को छुपाओगे, स्वयं की योग्यता श्रेष्ठताएं उनको गौर करोगे। कई बार क्या होता है, विद्वान व्यक्ति अपना रूप ही ऐसा बना लेता है कि देखने मात्र से पता चल जाता है कि यह विद्वान है, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ प्रेमी व्यक्ति अपनी योग्यताओं को छुपाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये बहुत योग्य था, ये प्रेमी का लक्षण। आज तक जबकि पूरे विश्व में अब तो प्रचार है, लेकिन जब ठाकुर जी पधारे थे तब तो प्रचार भी नहीं था, तब भी ब्रजवासी नहीं मानते थे कि ये भगवान है, और आज भी ब्रजवासी नहीं मानते कि ठाकुर जी भगवान है, क्योंकि हमारा लाला है। बरसाने में कभी ब्रजवासी से पूछो तो ब्रजवासी यूं नहीं कहते कि हम राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं, ब्रजवासियों के मुख से स्पष्ट राधा रानी शब्द आपको नहीं सुनाई देगा। ब्रजवासी क्या बोलेंगे, श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं, लाडली जी को दर्शन करवे जा रहे हैं, बाकी बिहारी को दर्शन करवे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं। लाला और लाडली, ये भाव प्रेम ही प्रकट करवाता है जहां प्रभुत्व नहीं होता। ठाकुर जी ने अपने प्रभुत्व को छुपाया, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया, सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहिदो गुणी आख्याश्यते राम इति बलाद्यालम विदो। भैया आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, परंतु बल की अधिकता होने की वजह से पूरा विश्व इसको बलराम कहकर के बुलाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की, बलराम। जैसे ही ठाकुर जी की ओर दृष्टि गई तो महाराज गर्गाचार्य जी 45 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाए, नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, स्तब्ध हो गए। रसिक जन बताते हैं, बोले गर्गाचार्य जी स्तब्ध क्यों हो गए। बोले भैया गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा ना तो गर्गाचार्य जी की जिह्वा पर हिंदी वर्णमाला के सब अक्षरों में लड़ाई होने लगी, हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर प्रकट हो गए एक साथ गर्गाचार्य जी की जीव पर, और गर्गाचार्य जी के कंठ को पकड़ करके बोले, बाबा हमते नाम रखियो, ये ठाकुर जी की सेवा में हमको भेज दे, या बार कृपा कर दो हमसे नाम रख दो ठाकुर जी को। तो गर्गाचार्य जी सोच नहीं पा रहे कि ठाकुर जी का नाम क्या रखूं, क्योंकि वर्णमाला का हर अक्षर जीव पर आ रहा है कि मेरे पर कृपा करो, मुझसे नाम रख दो इनका। जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहती है। तब गर्गाचार्य जी ने सारे वर्ण अक्षरों को शांत किया, बोले रुको, बहुनिशंति नामानी
हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं, हर अक्षर से मैया आपके लाला का एक नाम होगा, सहस्त्र नाम होंगे इसके, जैसे गुण जैसे कर्म वैसे इसके नाम होंगे। मैया बोली, बाबा ऐसा मत करो, 1000 नाम धर जाओगे हम कैसे बुलाएंगे अपने लाला को, एक कोई नाम ऐसा बताए तो जाते हम अपने लाला को पुकारो करें। आहा, तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुमृगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। भैया आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी अन्य वर्णों का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। बोलो बाल कृष्ण लाल की, कर शतीत कृष्ण। कृष्ण कौन है? जिसकी हर स्थिति आपको अपनी ओर आकृष्ट कर ले, वो कृष्ण। किसी व्यक्ति का रूप लुभाएगा, पर कई बार ऐसे लुभावने वाले बोलते हैं तो वाणी इतनी रसदार नहीं होती। कई व्यक्ति का रूप सुंदर नहीं होता, वाणी बड़ी मधुर होती है। किसी व्यक्ति का रूप भी मधुर नहीं, वाणी भी मधुर नहीं, पर स्वभाव बहुत अच्छा होता है। पर हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आप सोचो कि मैं कथा नहीं सुनूंगा तो उनका रूप आपको खींच लेगा, आप सोचो मैं उनको देखूंगा नहीं तो उनका नाम आपको खींच लेगा, आप कथा भी मत सुनो, देखो भी मत, नाम भी मत सुनो तो प्रसाद उनका खींच लेगा। कहीं ना कहीं से तो कृष्ण आपके चित्त को पकड़ ही लेंगे, या तो कथा से पकड़ लेंगे, या रूप से पकड़ लेंगे, या नाम से पकड़ लेंगे, लीला से पकड़ लेंगे, नहीं कुछ नहीं तो प्रसाद से ही पकड़ लेंगे। कैसे भी वृंदावन यदि कोई एक बार आ गया, उसके पंच इंद्रियों को कृष्ण ने स्पर्श नहीं किया ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस बात को प्रमाणित मान लीजिए, हमारे पंच रस होते हैं, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, इन पंच रसों के उपभोक्ता कौन होते हैं? आंख नाक जीव त्वचा और कान, ये पंच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय। आप वृंदावन में यदि आए हो, अनुभव कीजिएगा, श्री कृष्ण इन पंच रसों में से किसी एक से आपका स्पर्श निश्चित करेंगे, एक से तो जरूर होंगे, लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाएगी, यदि वृंदावन धाम का अनुग्रह हो जाएगा, कृष्ण आपसे रीझ जाएंगे तो पंच रसों से आपको प्राप्त कर लेंगे। नेत्र भी उन्हीं पर अटक जाएंगे, कान भी उन्हीं पर अटक जाएंगे, जिह्वा भी उन्हीं के रस पर अटक जाएगी, त्वचा को भी फिर यही की वायु भाएगी। अरे कहां तक है महाराज, वृंदावन की सीमा से बाहर निकलते कई लोगों को घबराहट होने लग जाती, बोले चलो वृंदावन, हमको वृंदावन रहना। कल एक माता जी आई मुझसे मिलने, वो बोली महाराज जी मुझे ठाकुर जी का विरह नहीं है, मुझे श्री जी का विरह नहीं है, मैं तो बोले मुझे तो वृंदावन का विरह रहता है, मैं राधारमण राधावल्लभ बिहारी जी जाने की मेरी इच्छा नहीं होती, बस छठी करा से गाड़ी मुड़ जाए तब लगता है कि अब श्वास में श्वास आई, अब लगता है कि अब मैं जीवित हूं, यहां से बाहर जाती घुटन होती है, किसी भी रूप में सही। ठाकुर जी आपका स्पर्श हर व्यक्ति का करते हैं, लेकिन सदगुरु की कृपा और वैष्णवों की कृपा हो जाए तो पंच रसों से आपका स्पर्श करते हैं ठाकुर जी, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। जो कहीं से भी आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लें वो कृष्ण है। रसखान, नाम सुना है? रसखान के अंदर एक अवगुण था, कैसा अवगुण? को किसी भी सुंदर वस्तु को देखते थे उसकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। इंद्रप्रस्थ में एक किसी वैष्णव के घर के बाहर से रसखान जा रहे थे तो उसके छोटे से बालक को देख करके रसखान मोहित हो गए। अब उस बालक को रोज ले जाते अपने साथ, उसी का चित्त देखते रहते। एक दिन एक संत से जाकर के परिवार के लोगों ने कहा, बोले हमारे बालक को रोज रसखान ले जाता है, कुछ नहीं करता केवल देखता है उसको, उसको रूप अच्छा लगता है, ये दुर्गुण है। लेकिन भक्ति में बंधुओं आप अपने दुर्गुण को ही पहुंचा दो, वही सदगुण बन जाए, वही भक्ति बन जाएगा। एक वैष्णव संत ने जाकर के रसखान से कहा, बोले तुम इस बालक के रूप पर मोहित हो, तुम्हें इससे सुंदर बालक दिखाऊं तो? रसखान बोला हो ही नहीं सकता, इस कायनात में इससे सुंदर नहीं है कोई। बोले हम दिखाते हैं। जोली में से ठाकुर जी के सुंदर बाल स्वरूप का जब जैसे ही दर्शन कराया, रसखान ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, आहा मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो,
सजल श्याम घन वरण लीन है फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्ण दास किए प्राण ने उछावर यह तन जग सिर पटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बस व्याकुल हो गए रस खान, कहां है ये बालक? बोले वृंदावन में नंद यशोदा को लाला है, इसको प्राप्त करने के लिए कंठी पहननी पड़ेगी, इसको प्राप्त करने के लिए तिलक लगाना पड़ेगा, ये तभी गोदी में आएगा, इसको प्राप्त करने के लिए ब्रज को प्रणाम करना पड़ेगा, संतों को प्रणाम करना पड़ेगा, वृंदावन की परिक्रमा करनी पड़ेगी, जमुना जल में स्नान करना पड़ेगा, ब्रजवासियों के यहां से मांग मांग के मधुकरी पानी पड़ेगी, तब ये लाला प्रसन्न होगा। जिस गुण से ये रीझ जाए, रसखान ने सब लिख लिया और वृंदावन आकर के रीति का पालन करने लगा। कंठी माला कोई एक पहनता, लेकिन रसखान तो पूरे गले में, कानों में, हाथों में, पैरों, सब जगह कंठी माला पहन ली। बोले क्यों? बोले मैंने सुना एक माला से रीझ जाता है, मैं तो इतनी सारी पहन लूंगा कि मुंह से ही रीझ हो रहे और कहीं जावे ही नहीं। ऐसे निर्माण हुआ भक्त राज श्री रसखान जी का। अवगुण से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तो जो अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया।